हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ एटीन ऑफ जुलाई 2021 तो 18 जुलाई 2021 संडे का न्यूज़पेपर है आज एनालिसिस करते हैं स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आप देंगे पहला सवाल है मंगेर बानी के पेंटिंग्स आर फाउंड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स मंगेर बानी के पेंटिंग्स इनमें से कहाँ मिलती हैं ऑप्शन आर ए पंजाब बी गुजरात सी हरियाणा डी मध्य प्रदेश द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी हरियाणा आपको मैं बता देता हूँ सी हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो एसई सी आई की रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ दी ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेडिकेटेड टू द सोलार एनर्जी सेक्टर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंशियर इन द कंट्री कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर है डी नन ऑफ दी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं इसलिए कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है सही स्टेटमेंट क्या है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में दैट विल बी गुड तीसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन फंजिबल टोकन्स तो नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ डिजिटल एसेट दैट रिप्रेजेंट्स द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड अलाउस पीपल टू ट्रेड द ओनरशिप ऑफ डिजिटल एंटिटीज दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ईच नॉन फंजिबल टोकन इज यूनिकली आइडेंटिफाइबल एंड आर नॉट इंटरचेंजेबल इन नेचर तो कौन से स्टेटमेंट सही है ऑप्शन आर वन ओनली टू ओनली बोथ या नन द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी बोथ आर करेक्ट ठीक है ना तो दोनों ही स्टेटमेंट एन एन, एन एफ टी के रिगार्डिंग यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के रिगार्डिंग सही है ये डिजिटल असेट होता है जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड नॉन इंटरचेंजेबल इन नेचर होता है ठीक है ना तो कुल मिलाकर के तीन क्वेश्चन हो गए जिनके जवाब आपको मैंने दे दिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस के साथ पहला जो न्यूज़ एनालिसिस में न्यूज है वो है तालिबान वॉन द बैटल्स बट वी विल विन द वॉर अब जो अशरफ घनी है उनका ये कहना है जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कि तालिबान हो सकता है कि छोटे छोटे बैटल्स जीत रहा है लेकिन हम जो है वो बड़ा वॉर जीतेंगे अब इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है एक नए क्वाड ग्रुप का वैसे आपको क्वाड ग्रुप क्या पता है क्वाड ग्रुप आपको इंडिया यूएसए जापान ये पता है ना ऑस्ट्रेलिया अब जो है एक अफगानिस्तान के रिगार्डिंग भी एक क्वाड ग्रुप बन रहा है और उसमें है यूएस अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान तो अब ये इंडिया के लिए एक तो गलत न्यूज़ ये है कि अफ़गानिस्तान की जो प्रोसेस है उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया है यहां से फिर यहाँ फिर से यूएसए का डबल स्टैंडर्ड देखने को सामने मिलता है ठीक है ना कि यू जो है बहुत ज्यादा इंडिया के फेवर में है नहीं दिखता ज्यादा है ठीक है ना तो यूएसए अफगानिस्तान पाकिस्तान उज्बेकिस्तान अब आपको ये याद रखना है अपू के नाम से आप याद रखिए अपू के नाम से ए पी यू यू अफगानिस्तान पाकिस्तान उज्बेकिस्तान यूएसए ठीक है ना अपू तो यहां पर कुल मिलाकर के जो ये ग्रुपिंग है क्वाड ग्रुप है इसमें कौन कौन आ गया यूएसए अफगानिस्तान पाकिस्तान उज्बेकिस्तान अब ये जो नया क्वार डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है ये फोकस करेगा किस चीज पे ऑन इनहेंसिंग द रीजनल कनेक्टिविटी ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है इन रीजन की उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा और ऑब्वियस सी बात है जो तालिबान का जो विन है ओवर अफगानिस्तान उसको भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा आगे मैं और ज्यादा डिटेल में अगले पेजेस में जब ये आएगी तो मैं आपको और ज्यादा चीजें बताऊंगा दैट विल बी दथे लेकिन यहां पे अशरफ गनी काफी कॉन्फिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि हाँ हो सकता है कि तालिबान ने बैटल्स जीते हों लेकिन वी विल विन द अल्टीमेट वॉर फॉर द पीस ऑफ अफगानिस्तान यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल सी जी आई एन वी रामना जी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ विद द पीपल टू तो प्रोटेक्ट द सिविल लिबर्टीज़ आजकल आप आज सबको ये भी दिख रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है सिविल लिबर्टीज़ पे इसीलिए जो सिडिशन का केस है यानी कि सेक्शन वन ट्वेंटी फोर ए जो आई पी सी का सेक्शन वन ट्वेंटी फोर ए है सिडिशन का उसका जो रिव्यू चल रहा है केदारनाथ सिंह का जजमेंट केदारनाथ सिंह केस का जजमेंट नाइनटीन सिक्सटी टू का केस है जिसमें सिडिशन को जस्टिफाई या अपहेल्ड किया गया था उसका रिव्यू भी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

लिबर्टी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं आपके हेल्थ से लेकर के आपके एनवायरमेंट को लेकर के आपके फूड को लेकर के हर सारी चीज़ जो है वो सिविल लिबर्टी के अंदर आती है एंड इसीलिए यहाँ पे जो फ्रीडम है जो लिबर्टी है उसको डेंजर कई चीजों से है और उसमें लोगों का जो इंटॉलरेंस है सोसाइटी का जो इंटॉलरेंस है वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है सिविल लिबर्टीज के लिए या फिर फ्रीडम के लिए तो यही चीज यहाँ पे एनवी रामना जी का एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव विद मी काफी अच्छे-अच्छे न्यूज़ आइटम्स हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम ऑफिस डेस्क टू ओलंपिक बैडमिंटन कोड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे देखो कई बार हम बोलते हैं ना कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्टडिंग एंड ऑल ऐसा नहीं आता यूपीएससी में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन ऐसा होना चाहिए कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन होना चाहिए तो यहाँ पे यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला है जो न्यूज़ है वो रिगार्डिंग है सुहास एल वाई गौतम बुद्ध नगर के डीएम है गौतम बुद्ध नगर के आई ऑफिसर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में लाई करता है एंड यूपी कैडर के, के आई ऑफिसर है जो कि अभी रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया कोर्ट इन द ओलंपिक्स बैडमिंटन कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट में ओलंपिक्स में ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं ठीक है ना याद रखेगा ही विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द ओलंपिक्स गौतम बुद्ध नगर के डीएम है आई ऑफिसर 2007 बैच के एंड ही विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द ओलंपिक्स आल्सो इसके पहले भी इन्होंने काफी मेडल्स जीते हुए हैं है ना देखो यहाँ पे फोटो भी है उनकी उन्होंने लिखा है लिखा भी है बैडमिंटन रिक्वायर्स द स्किल्स एंड थॉटफुल प्रिपरेशन माय एक्सपीरियंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प मी इन प्लानिंग द कोर्ट तो ही सेट दिस इन देर एंड दिस अ वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी ऑल्सो दिस अ वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी एंड ही बहुत ज्यादा सुहास अलवाय अगर आप कैरियर देखेंगे तो ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट

अगली जो न्यूज़ है वो है कंसर्न्स रिमेन ओवर एंटी ट्रैफिकिंग बिल अब एक एंटी ट्रैफिकिंग बिल का ड्राफ्ट अभी रिसेंटली तैयार हुआ इसका नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्या नाम है इसका ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब काफी लोगों ने इसको स्टडी किया अभी ये पब्लिक डोमेन में बिल है तो काफी लोगों ने कंसर्नस भी स्टार्ट किया इसको बनाने के पहला जो इशू है वो मैं आपको बताता हूँ बिल के अंतर्गत क्या है बिल के अंतर्गत यह कि जो एन आई ए है वो इसमें नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा एंटी ट्रैफिकिंग के लिए जो नोडल एजेंसी रहेगी नोडल, रहे नोडल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग कॉर्डिनेटिंग एजेंसी जो रहेगी वो एन आई ए रहेगी ठीक है ना इन ट्रैफिकिंग रिलेटेड केसेस एंड ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट ठीक है ना इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम रहेगा वो सारा एनआईए ही करेगी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट बॉडीज ये सारा काम एन ही करेगी इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग का, एक मैं आपको और बच्ची बताता हूँ कि यहाँ पे इंटेलिजेंस के लिए इंटेलिजेंस के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल क्या बनाया जाएगा ए जिसको बोलते हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर ठीक है ना अब जो इशू है पहला तो ये कि पूरे बिल को स्टडी करने के बाद ये क्लियर नहीं होता है कि एनआईए किस तरीके से गैदर करेगी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस नेशनल इंटेलिजेंस यूनिट्स जो ये स्टेट uh, लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो किस चैनल के थ्रू या किस मीडियम के थ्रू एनआईए को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे ये चीज क्लियर नहीं है ठीक है ना इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मैंडेट दिया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को फॉर कंडक्टिंग इंटर स्टेट प्रोव इन केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एलोकेटेड एलोकेटेड बजट्स टू देम अब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के लिए भी बजट निकाल दिया गया है और कहा है कि इंटर स्टेट प्रोव वो करेंगे तो यहां पर यह भी क्लियर नहीं है कि किस तरीके से ये मतलब कि कहीं ये ओवरलैप तो नहीं हो रहा है विद द एन आई ए या फिर कहीं इस तरह से तो नहीं कि मतलब कि दोनों को uh, मतलब कि आइसोलेट किया जा रहा है तो ये ये चीज जो है वो क्लियर नहीं है इसके

तो ये चीज़ भी जो लार्जली क्लियर नहीं है फ्रॉम दैट बिल सो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि एंटीन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल में अभी तक क्लियर नहीं हो पाए तो दीज आर द इश्यूज विच आर देयर अमंग द पीपल है न आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आगे मूव करते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी इन प्लेस नाउ क्लेम्स अमित शाह अमित शाह जी का कहना है कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी है वो वो ऑलरेडी फोकस में है एंड 2022 के पहले जितने भी गैप्स हैं इन द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड ऑल दे विल दे फिल्ड जितने भी गैप्स हैं जितने भी वर्ड्स हैं वो फिल कर दिए जाएंगे दो से पहले क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का जिसको हम बोलते हैं सी आई बी एम एस क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है अब कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ना अलग अलग जैसे फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जैसे जो फेंसिंग है एंड ऑल उसको आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाएगा और पूरा एक सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा जिसमें फिजिकल एज वेल एज जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड सिस्टम है चाहे उसमें बिजली दौड़ाना हो चाहे उसमें लेज़र फेंसिंग का काम हो ये सारी चीज़ें एक साथ इंटीग्रेटेड रहेगी और एक पॉइंट सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट से आप क्या कर सकते हैं पूरा इसको मैनेज कर सकते हैं ठीक है ना और इसकी सर्विलेंस भी ईजी रहेगी अगर सपोज क्या रहता है जैसे अभी तक नॉर्मल अगर फिजिकल वायरिंग बस है तो अगर मान लो कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन uh, आता है या कहीं पर कटिंग होती है मान लो फेंसिंग की तो आपको क्लियर नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको अपनी आंखों से ना देखें बट अगर आप एक एक सिस्टम के थ्रू इसको मॉनिटर कर रहे हैं किसी सेंसर के थ्रू इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जैसे ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कोई भी इशू आएगा किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट ऑफ बॉर्डर पे तो वो चीज आपको ब्लिंक करने लगेगी या आपको सिस्टम पे दिखा देगा शोकेस कर देगा तो इसीलिए जो ये इस है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डेवलप किया जा रहा है ऑलरेडी इन प्रोसेस है दो हजार बाईस तक अमित शाह जी का कहना है कि दिस विल बी इन प्लेस है ना अगली जो न्यूज है वहां पर भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में आया है तो कैग की एक रिपोर्ट आई है रिगार्डिंग द भारत नेट प्रोजेक्ट जिसमें काफी चीज़ें उन्होंने बताई है कि इसमें करप्शन का चार्जेस था करप्शन किस तरीके से हो रहा था नॉल बट अभी हम ये देखेंगे कि भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है एक्चुअली में भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो एम करता है टू कनेक्ट टू लाख ग्राम पंचायत और विलेज ब्लॉक्स इन कम मोर देन सिक्स लाख विलेजेस अक्रॉस इंडिया तो यहाँ पे जितने भी दो दशमलव लाख ग्राम पंचायत टू लाख ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत छह लाख से ज्यादा विलेजेस इंक्लूडेड रहेंगे सिक्स लाख से ज्यादा विलेजेस रहेंगे उनको नेट कनेक्टिविटी से ऑप्टिकल फाइबर नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रोजेक्ट है ये भारत नेट याद रखेगा ढाई लाख ग्राम पंचायत या फिर विलेज ब्लॉक्स जिसके अंतर्गत तो लगभग छह लाख से ज्यादा विलेजेस आते हैं ठीक है ना अब इसका जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो कैसे होगा यूएस ओ एफ के थ्रू होगा यूएसओ एफ क्या है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है उसको बनाया गया था एंड दिस इज देयर इन प्लेस टू प्रोवाइड द फंड्स टू दैट है ना इसके ये स्टेट रिजर्व है फॉर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड यूएसए एफ जो है उसको बनाया गया है फिफ्टी फाइव थाउजेंड करोड़ स्टेट रिजर्व और है फॉर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड इट इट इज आल्सो फंडिंग द एम्बिशियस भारत नेट प्रोजेक्ट तो ये भारत नेट प्रोजेक्ट को भी uh, फंडिंग देता है यूएसओएफ और जो स्टेट्स का डिजिटल डिवाइड है अगर कहीं तो उसको भी फिल करने का रिगार्डिंग एनसीबीएस एनसीबीएस के रिगार्डिंग न्यूज है क्या है एनसीबीएस और क्या इशू है वो मैं आपको बताता हूं तो यहां पे सबसे पहले एनसीबीएस क्या है इसके बारे में बता दूं तो इसको एनसीबीएस uh, काफी इंपॉर्टेंट है एन सी बी एस का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस और कहाँ पर ये बैंगलोर में है कैलकाटा में सॉरी uh, कर्नाटका में सॉरी सर दैट नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस इज इन बैंगलोर कर्नाटका एंड इट इज़ अ रिसर्च सेंटर स्पेशलाइजिंग इन बायोलॉजिकल रिसर्च तो क्या क्या है ये ये एक नेशनल लेवल की रिसर्च सेंटर है जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च में काम करती है और ये आती है किसके अंतर्गत टी आई एफ आर के अंतर्गत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है ना अब अभी न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली देखो एन सी दो कारणों से न्यूज़ में था एक तो जो कोविड की वुहान वायरस की स्टडी करने लगे थे ये लोग अपने आप है ना वुहान वायरस की स्टडी कर रहे थे प्लस ये सारी चीज़ें दूसरी चीज़ अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली एक पेपर रिट्रैक्ट किया है इन्होंने रिट्रैक्ट मतलब कि जब पेपर दे दो और उसके बाद उसको वापस खींच लो मतलब कि कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कर दिया पब्लिश करने के बाद जब आप उसको वापस खींच लेते हैं तो वो रिट्रैक्ट कहलाता है रिट्रैक्टर ठीक है ना एंड यहाँ पे इन्होंने क्यों रिट्रैक्ट किया क्योंकि जो उसकी स्टडी की जो फाइंडिंग्स थे ये पता लगा बाद में कि जो एन का वो पेपर गया था उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो मैनिपुलेटेड फाइंडिंग्स थी मतलब कि वो रिजल्ट लाने के लिए जैसा नहीं अपन हैंस प्रूव लास्ट में लिख देते थे कॉलेज के टाइम पर अगर कोई क्वेश्चन आता था एग्जाम में तो हम क्या करते थे अगर हमको नहीं बनता है तो कुछ भी उठपटांग बीच में करके लास्ट में एल इक्वल्स टू आर एच एस कर दिया और लिख दिया हैंस Proved. वही सारी चीज एनसीबीएस ने की है बीच में क्या किया कुछ पता नहीं लेकिन लास्ट में लिख दिया हाँ ये इक्वल टू ये इट इज ऐसा ऐसा है तो देयर फोर दिस एंड ये स्टडी किसके रिगार्डिंग थी पेपर था रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ आयरन सेंसिंग बैक्टीरियल राइबो स्विचेस यहाँ पर इन्होंने आयरन सेंसिंग बैक्टीरियल स्टडी डिस्कवरी ऑफ आयरन सेंसिंग बैक्टीरियल स्टडी की थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि एक नए क्लास का आर मॉलिक्यूल है यानी कि राइबो एसिड मॉलिक्यूल है न्यूक्लास का जो कि आयरन डिटेक्ट कर सकता है ठीक है ना तो इसके ऊपर ये स्टडी थी आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस रिगार्डिंग स्टडी थी कई कई बार यूपीएससी पूछ सकता है है ना <coughs> एंड अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ें और हरासमेंट ऑफ स्टूडेंट्स भी आ रहा है कि यहाँ पे प्रेशराइज़ किया जाता है स्टूडेंट्स को हरास किया जाता है तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में आ रही हैं तो एन समझ लो एन का समय मुझे लगता है कि ओवर हो चुका है इट्स द टाइम इज़ गेम इज़ ओवर फॉर एन मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि पीछे पड़ गई सरकार इनके और नाउ देयर गेम इज़ ओवर अगला जो न्यूज़ है वो है यूएस अफगानिस्तान पाकिस्तान उजबेकिस्तान जो कि नया क्वाटर लिटल ग्रुप यानी कि क्वाड ग्रुप है यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा एक

िलिटी अगर अगर आप, आप, आपको अफगानिस्तान में चाहिए तो वहां पर रीजनल कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो बुरी लगी वो ये लगी कि यार आ, मतलब कि इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया आप वैसे भी ऑलरेडी इंडिया का रोल जो था अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में थोड़ा कमी था और मैं चाहता था पर्टिकुलरली कि इंडिया का रोल बढ़े क्योंकि सेंट्रल एशिया और ये सारे रीजन से हम एक्सेस चाहते थे अफगानिस्तान के नॉल वो हमको चाबहार पोर्ट ने प्रोवाइड भी की लेकिन हम ईरान को भी नहीं कैप्चर कर पाए और नाउ अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो गोइंग स्लिपिंग अवे फ्रॉम आर हैंड तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अखर रही है और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी इंडिया को भी इंक्लूड होना चाहिए था उस पार्टनरशिप में लेट्स सी आगे शायद उसको इनलार्ज किया जाए इस ग्रुपिंग को इनलार्ज किया जाए और इंडिया एक अच्छा रोल प्ले करेगी इनमें है ना आई होप दैट फॉर दिस अब अभी एक और स्टडी हुई है रिगार्डिंग द कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन और ये पता लगा कि कोविड नाइन्टीन जो वैक्सीनेशन है दैट इज सेफ फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स एज वेल तो यू में जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है या जिसको यूएस सी बोलते हैं सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल उसका ये कहना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं दे आर सेफ फॉर फॉर गेटिंग द कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन डब्ल्यू ने भी प्रेगनेंट वुमेन को इंक्लूड किया है अंडर द कैटेगरी टू टू बी प्रटाइज फॉर वैक्सीनेशन ठीक है ना तो कैटेगरी टू फॉर प्रायरटाइजिंग वैक्सीनेशन इस कैटेगरी में इंक्लूड किया है uh, किसको प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो दैट इज़ अगेन नथिंग यू पी हो सकता है स्टेटमेंट बना करके दे दे कि कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन इज नॉट सेफ फॉर वमेन प्रेग्नेंट वुमेन्स एन ऑल तो इसको आप याद रख सकते हैं

फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव गैस होती है एम्बियन टेम्परेचर में एंड इसका जो ओडर होता है वो गार्लिक या फिर डिकिंग फिश समान होता है स्मॉल अमाउंट्स कैन अकर नेचुरली फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली जो फॉस्फीन का प्रेजेंस है दैट डिपिक्ट प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो यहाँ पर लाइफ के प्रेजेंस का भी सिम्बल मिल जाता है एंड इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर तो फॉस्फीन जो है वो स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर भी होता है तो ये भी आप याद रखिएगा दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड फॉस्फीन

अगली जो न्यूज़ है वह है रेयर आर्कटिक लाइटनिंग स्टाम्स स्ट्राइक नॉर्थ ऑफ अलास्का तो यहाँ पे म्यूट्रोलॉजिस्ट ने पता लगाया है थ्री सक्सेसिव स्वीपिंग अक्रॉस द आईसी आर्कटिक फ्रॉम साइबेरिया टू नॉर्थ ऑफ अलास्का तो यहाँ पे आर्कटिक स्टाम्स देखने को मिले हैं है ना लाइटनिंग आर्कटिक लाइटनिंग स्टाम्स देखने को मिले हैं एंड साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है है ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये चीज़ जो है काफ़ी ज्यादा होती जा रही है क्योंकि एज सी आइस इज वैनिशिंग मोर वाटर इज एबल टू इवेपोरेट ज़्यादा वाटर अवेलेबल है विच इज देयर एंड इवेपोरेटिंग विच इज एडिंग मॉइस्चर टू द वार्मिंग एटमोसफेयर एक तो गर्म हो रहा है एटमोसफेयर दूसरा उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड हो रहा है इसलिए जो ये लाइटनिंग है रेयर आर्कटिक लाइटनिंग ये और ज़्यादा कॉमन होती जा रही है पहले रेयर थी अब ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी ज्यादा कॉमन होती जा रही है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट के ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है तो थोड़ा बोरियल फॉरेस्ट के बारे में आपको बता दूँ टैगा को एक्चुअली टैगा जब आप बायोम पढ़ेंगे तो उसमें आपको आपने टैगा पढ़ा होगा तो टैगा इज एक्चुअली रिफर्ड टू इन नॉर्थ अमेरिका एज बोरियल फॉरेस्ट तो टैगा को ही नॉर्थ अमेरिका में बोरियल फॉरेस्ट या फिर स्नो फॉरेस्ट बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट या फिर स्नो फॉरेस्ट टैगा को बोलते हैं एंड इट इज अ बायोम कैरेक्टराइज बाय कॉनीफेरस फॉरेस्ट कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ पाइंस स्प्रूस एंड लार्जेस्ट तो इसमें कॉर्नीफेरस कॉर्नीफेरस होते हैं ज़्यादातर इसमें पाइन स्प्रूसेज एंड लार्चेस मिलते हैं एंड टैगा को ही बोरियल बोला जाता है दे आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बायोम ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट लैंड बायोम में भी आते हैं दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट याद रखेगा टैगा को ही लार्जेस्ट लैंड बायोम भी कहा जाता है ठीक है ना लार्जेस्ट लैंड बायोम में भी ये आते हैं ठीक है तो दैट इज अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट लास्ट जो न्यूज पे हम डिस्कस करेंगे वो कब्स ऑन मास्टर कार्ड है यहाँ पे रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है बैन कर दिया है मास्टर कार्ड को फ्रॉम इशूइंग न्यू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड तो नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स अब जो मास्टर कार्ड है वो नहीं रिलीज कर एक्चुअली मास्टर कार्ड एक बीच का पेमेंट गेटवे होता है ना ये आपको पता हूँ ये यूएस कार्ड इश्यूअर है यूएसए का कार्ड इश्यूअर है एंड इसको क्यों मना किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब डेटा लोकलाइज लोकलाइजेशन पॉलिसी होती तो क्या है आपके दिमाग में उनका डेटा जो भी रेलिवेंट डेटा है अकाउंट ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं इनका पूरा डेटा आपको लोकलाइज फॉर्म मेंटेन करना है मतलब आपको इंडिया के अंतर्गत ही इंडिया के अंदर ही इंडिया के यूजर्स का डेटा आपको मैंटेन करना है होता क्या है कि जो ये कंपनी मास्टर कार्ड यूएसए की कंपनी है तो इनके जो डेटा बेस या जितने भी सर्वर्स होते हैं वो कहाँ पे बेस्ड रहते हैं यूएसए बेस्ड रहते हैं तो जितना भी इनका डेटा है कहाँ जा रहा है यूएसए में जा रहा है लेकिन इनको एक लोकल कॉपी मेंटेन करना भी मैंडेटरी है एज पर द आर बी और आर का ये कहना है कि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सिटीजन की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कि जो डेटा है वो आपको लोकली मेंटेन करना है बट ये जो जितने भी देखो क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए कि जब ये डेटा की कॉपी यहाँ मेंटेन करेंगे तो इनको फिर से नए सर्वर चाहिए इनको और ज़्यादा सर्वर में स्पेस चाहिए और हर चीज़ का एक मतलब कॉस्ट रहता है हर चीज़ की प्रॉपर कॉस्ट है हर चीज़ का कुछ ना कुछ पैसा लगता है सब में तो इसीलिए कंपनीज जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं कि डेटा का डुप्लीकेशन ना करना पड़े ताकि इनको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी वो कॉस्ट ना देनी पड़े तो डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी आई होप मैंने आपको बता दी दो में ये सर्कुलर निकाला गया था कि जैसे जो फॉरन कंपनीज हैं कार्ड होल्डर्स हैं उनको कंप्लीट स्टोर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स ये सब इंडिया के अंदर ही लोकली मेक श्योर करना है कि मेंटेन रहे है ना लेकिन एग्जिस्टिंग जो यूजर्स हैं अभी वो मास्टर कार्ड अपना यूज कर पाएंगे ऐसा नहीं कि अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो वो खराब हो गया नए यूजर्स के लिए मास्टर कार्ड अब रिलीज नहीं किया जाएगा दैट इज अ थिंग विच इज इंपोर्टेंट ये आपको याद जरूर रखिएगा ठीक है ना अब यहाँ पे अगली जो न्यूज़ है ट्विटर ने रिसेंटली अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकाली जो कि वो 2012 से निकाल रहा है सेम गूगल भी अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकालता है जो कि 2010 से निकाल रहा है तो यहाँ पे अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ट्विटर ने ये कहा है कि इस बार इंडिया जो है सबसे अधिक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट रिलीज करने वाली कंट्री रही है मतलब कि क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कितने लोगों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी और कितने लोगों का ट्विटर से डेटा जो था वो टेक डाउन करवाया मतलब ये जो चीज़ें हैं तो इसमें इंडिया इस बार नंबर वन पे रहा सबसे अधिक जो आ, लोगों की इंफॉर्मेशन मांगी गई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की आ, की गई हैं वो इंडिया की तरफ से की गई हैं अब एक्चुअली जो रिक्वेस्ट होती है वो दो तरीके से होती है एक तो लीगल होती है लीगल मतलब कि कोर्ट्स को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी मर्डर हो गया है, किसी का ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट डिलीट हुए इनकी इंफॉर्मेशन तो यह लीगल रिक्वेस्ट हो गई एक होती है इमरजेंसी रिक्वेस्ट मतलब कि अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन जरूरी है फॉर प्रिवेंटिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन और फॉर ब्रिंगिंग पीस टू इंडिया एंड ऑल तो आप क्या कर सकते हैं ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो ये इमरजेंसी रिक्वेस्ट में आता है ठीक है ना तो ऐसे में कई यहाँ पे जो सबसे अधिक रिक्वेस्ट आई वो इंडिया की तरफ से आई है ट्विटर के पास और सबसे अधिक जो डेटा टेक टेक डाउन किया गया यानी कि ट्वीट्स डिलीट करवाए गए हों या ट्वीट्स टेक डाउन करवाए गए हैं वो इंडिया में ही करवाए गए हैं दिस वाज देर इन द ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ऑफ ट्विटर ये ट्विटर ने ऐसा बताया है सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू ईटर वीडियो प्लीज डू लेक्श सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड अम नाइस डे